गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग बच्चा गुड मॉर्निंग बैच मेधावी बैच में आज प्लांट किंगडम का सेकेंड लेक्चर ठीक है टाइटल में ब्रायोफाइटा लिखा है बट हम आलगी और को पहले करेंगे, फिर ब्रायोफाइटा शुरू करेंगे so, let's get started. I am Yadav and हमारे यहां पे होते हैं इलेवन थर्टी ए एम ठीक है सो वी आर गोइंग टू कवर कंप्लीट बॉटनी ऑनअमी नीट इस पूरे टाइम में ओके okay? राइट सो कॉल एवरीबडी यू नो जो इलेवेंथ या ट्वेल्थ में है या ड्रॉपर है सब बच्चों के लिए है ये आई एम कोमल यादव होते है बेटा पांच बजे और यूट्यूब पे इलेवन थर्टी ए एम फ्री स्पेशल क्लासेस भी होती हैं नाइन थर्टी पी एम पे जब भी क्लास होगी मैं आपको लिंक कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी सो यू हैव टू मेक sure कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो हो ताकि आपका वो पोस्ट मिस ना हो। और और भी सारे लिंक्स और क्लास के भेजे जाते हैं। so sure uh, you know, अगर आपको, पसंद आ मेरी पढ़ाई as well as guidance, आपको थोड़ा हेल्प चाहिए मेरी तरफ सेमन लाइफ कोड एंड ज्वाइन मी ऑन प्लस एज वेल एज आइकॉनिक मेरे साथ आइकॉनिक पर आपको एक हेल्पिंग हैंड और मिल जाएगा मेंटोरशिप के लिए राइट right? और right, सबसे पहली बात किसकी बात कर रहे हैं हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेटा, ठीक है अब सुनो मेरी बात हमने लास्ट क्लास में जनरल गाइडलाइंस जनरल लाइफ साइकिल्स एंड हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी ठीक क्लासिफिकेशन के टाइप्स पढ़े थे हमने ये पढ़ा था कैसे कैसे टेक्सोनोमी काम आती है और क्या होता है ठीक आज की क्लास में अब हम जा रहे हैं एक एक इंडिविजुअल प्लांट की लाइफ साइकिल जनरल लाइफ साइकिल के पीछे तो हम कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म ले लेते ले 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 हैं कि हाँ चलो इसको पढ़ लेते हैं ये अपने आप अपने पूरे मतलब खानदान की कहानियां बता देगा ठीक तो हम क्या कर रहे हैं एल्गी के अंदर वी आर ड्रॉइंग अ पर्टिकुलर जनरल पॉइंट्स और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ द फर्दर क्लासिफिकेशन एज वेल ठीक है कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कुछ नोट्स पहले से बना लेना जिन बच्चों ने बना लिए होंगे गुड जिन्होंने नहीं बनाए आज वो मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो पेंसिल पेपर रेडी एनसीआर रेडी एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू हियर ठीक है चलो आ जाइए बेटा सबसे पहली बात एक्वेटिक होता है एलगी आकर हमने पढ़ाई था लास्ट क्लास में भी लिखवाया था मैंने अभी दोबारा से एक छोटे छोटे पॉइंट्स को रिवाइज करा रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी जो है मेजरली सेल्स की बनी है जो इंडिविजुअल एक्ट करते हैं ठीक है अकेले अकेले एक्ट करते हैं जैसे आपके बॉडी के सेल्स जो है सेल्स कंबाइन टुगेदर आपस में इंटरक्ट करते हैं तो टिश्यू का फंक्शन निकलता है यहां पे टिश्यू लेवल नहीं पहुंच रहे हो आप यहां पे इंडिविजुअल सेल्स अपना अपना काम कर रहे हैं लेकिन वो सेल्स कभी कभी एक फिलमेंट के फॉर्म में आ जाते हैं या फिर एक कॉलोनी के फॉर्म में भी आ सकते हैं अगर ये पर्टिकुलर सेल एक अकेला सेल रहता है और ऑर्गेनिज्म वो अकेला सेल ही है इट इज यूनी वन सेल देन इट इज नोन एज क्लमायस इज द एग्जाम्पल क्लमाइडोमोनास इज द एग्जाम्पल पॉइंट नंबर टू कॉलोनियल कॉलोनी में रहने वाले एग्जाम्पल वॉलवॉक्स colony of volvox is called as colony of volvox is known as cenobium colony of volvox is known as सिनोबियम ये प्रीवियस ईयर एम्स का क्वेश्चन है प्लीज ध्यान रखना आप इसको लिख लो नोट्स में एनसीआरटी में लिख लो ठीक फिर आता है फिलम इंटर्स. फिलम इंटर्स का मतलब धागे जैसे यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो नाम कुछ कुछ सुने हैं और एल्गी में इस पूरे चैप्टर की बात करूं ना तो एल्गी में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स है अब एग्जाम्पल्स को आप क्या करोगे कैसे याद करोगे स्क्रिबल पेज पे लिखना है छह बार लिखो दस बार लिखो सौ बार लिखो हजार बार लिखो मुझे नहीं पता बार 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 लिखना है बेफालतू तो निमोनिक्स और निमोनिक्स में जाने की जरूरत नहीं है एक तरीका और है जिसमें आप शॉर्ट इंडिविजुअल एक एक वर्ड आगे का ले लो और एक छोटा वर्ड बना लो उसी से ठीक है वो भी मैं बताऊंगी कैसे जाता है आगे ठीक है तुम लोग कर लो ये चार्ट वाला काम कर लो फिर पढ़ लेंगे पढ़ना है सेकेंडरी फरमाइश प्राइमरी वो ही तो हैं जिनको हम आंसर करने बैठे हैं यहां आप फरमाइश कीजिए हैं चलो लार्ज एंड मैसिव कैल्प ह्यूज साइज बहुत बड़ बड़े बड़े मीटर्स लॉन्ग इतने लंबे लंबे कि बड़े बड़े शिप्स को भी फंसा देते हैं उनके टर्बाइन वगैरह में घुस के एकदम उनको पूरा रोटेटर वगैरह में जाम कर देंगे आपका पूरा शिप खराब यूज इन साइज ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बहुत कुछ लिखना है लिखने में बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करो याद करना ज्यादा जरूरी है पता यहां जानी चाहिए चीज तो अगर आप सुनो मेरी बात सिर्फ नोट्स कॉपी कर रहे हो ना कहीं से तो दैट इज रॉन्ग आप चीज को समझो याद करने वाली चीज को याद करो और फिर उन पॉइंट्स को लिखो दैट विल बी मोर हेल्पफुल प्लीज अंडरस्टैंड दैट ठीक अब आती है बात की स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में कल भी बात हुई थी बॉडी इज सिंपल एंड थैलॉइड थैलॉइड का मतलब इट इज नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड इन रूट स्टेम लीफ तीनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमने कल कंसिडर किए थे ठीक है मूविंग अड मूविंग अड

ठीक है ना अब हम ए एसेक्सुअल में से भी एक पार्ट अलग निकाल लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ठीक है जस्ट टू मेक थिंग्स इजीियर तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है अगर मान लो इतना पतला सा एक धागे जैसा एल्गी है फिलामेंटस एल्गी इट इज जस्ट गोइंग तो टू ब्रेक इनटू टू और ये दोनों अपने आप में बोले हम अलग-अलग ऑर्गेनिज्म ठीक है अब ये किस वजह से टूट सकता है ये मैकेनिकल प्रेशर की वजह से टूट सकता है पानी बहुत तेज आया पत्थर पे लग गया आपने तोड़ दिया ड्यू टू टूर एनिमल्स एक्टिविटी सो आर वेरियस चांसेस यू कैन जस्ट ब्रेक दिस पर्टिकुलर एलगी इन टू टू दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन हर टाइप का एलगी शो करता है वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से सुनो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एग्जाम्पल दिया हुआ है जू स्पोर्स का जू कुछ ऐसे होते हैं गोल मटोल से और एक कवरिंग के अंदर बनते हैं ठीक है ये क्या दिख रहा है आपको बेटा दिस इज फ्लाजिला दिस इज फ्लाजिला जू स्पोर्ट आर फॉर्म इन साइड अ कवरिंग एंड हैव फ्लाजिला फ्लाजिला क्या है एक स्ट्रक्चर है जो मोटेलिटी में हेल्प करता है ऐसे ऐसे मूव करेगा ना ऑर्गेनिज्म तो पानी में तैरेगा ठीक तो फ्लाजिला हेल्प्स इन हेल्प्स इन लोकोमोशन फ्लाजिला हेल्प्स इन लोकोमोशन ठीक देखो अब ध्यान से जूस स्पोर्स आर मोटाइल वाई आर दे मोटाइल बिकॉज दे आर बाय फ्लाजिलेटेड इनके पास दो फ्लाजिला है इच एंड देआर पायरी फॉर्म्ड स्पेरिकल हो सकता है या थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है प्योर शेप्ड प्योर शेप्ड का मतलब नाशपति जैसा नाशपति देखी आप लोगों ने पैर तो देखा है ना हा सो दैट पैर उसके जैसा शेप हो जाता है पायरी फॉर्म प्यर शेप्ड एंड इट इज एंडोजीनस इन ओरिजिन एंडोजीनस इन ओरिजिन का मतलब हुआ इट इज फॉर्म इन साइड अ कवरिंग ये एक कैविटी में बनता है और फिर वो कैविटी को तोड़ दिया जाता है दैट कैविटी ब्रेक्स ठीक है ये देखो ये यहां से फट जाएगी ये सारे आपके जूस फोर्स बाहर निकल जाएंगे इधर से समझे बात सो इट इज जस्ट गोइंग टू रपचर एंड मूव आउट समझो ये बात चीजों को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड की क्लैरिटी चाहिए हमको तो ये ध्यान रख लेना बस कि जो बोर्ड पे मैंने वर्ड्स लिखे हैं वो सारे वर्ड आपको समझ में आए क्यों क्योंकि स्टोरी के एंड में मूवी के एंड में पता चलता है कि क्यों किस शब्द का इस्तेमाल किया गया वो कैरेक्टर क्यों आया था वो गाड़ी के टायर पे फोकस क्यों किया था ये सारी चीजें कब दिमाग में आती हैं कब सेंस बनाती हैं जब आप आखिरी में पिक्चर के एकदम क्लाइमैक्स पे पहुंचते हो है ना अभी क्या करना है सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक बोर्ड पे जो जो पॉइंट्स हैं वो मेरे पास लिखे हुए हैं और उनका मुझे मतलब पता है ठीक एग्जैक्टली है? एक्जैक्टली exactly. exactly. ठीक सो so, ये सारे पॉइंट्स किसके हुए बेटा जू स्पोर्स जू स्पोर्स आर वेरी कॉमन इन एल्गी वेरी वेरी कॉमन इन एलगी चलिए बढ़िया बढ़िया मूविंग टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमने इन तीनों के बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था जिन बच्चों ने मेरे साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यूट्यूब पे पढ़ा लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद वो चीज़ नहीं की है तो यहाँ पे मैं उसको दोबारा समझा yeah. तो रही हूँ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी कैन बी बाय थ्री मेथड्स आइसोगेमी एन आइसोगेमी एंड ऊगेमी ठीक है अब यहां देखो मेल गेमीट फीमेल गेमीट मेल गेमीट और फीमेल गेमीट अगर आइसो की बात करी जाए आइसो गेमी आइसो का मतलब होता है सेम गेमी मींस फ्यूजन सेम दिखने वाले स्ट्रक्चर्स के बीच में फ्यूजन आइसोगेमी द स्ट्रक्चर और द साइज सेम और दोनों के पास फ्लाजला या दोनों के पास फ्लाजला नहीं ज्यादातर दोनों के पास फ्लाजला होता है दे मे और मे नॉट बी मोटाइल अरे मे और मे नॉट बी मोटाइल बट सेम इन मोर्फॉलॉजी दिखने में सेम या सेम इन मोरफॉलॉजी समझे यहां तक डन लिखा हां नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट अगर दूसरा वाला पॉइंट ले ले आरो कर देती हूं मेरे फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो लास्ट में दिस इज फॉर आइसोगेमी ठीक है एन आइसोगेमी अगर बोलू एन आइसोगेमी मेल गेमीट स्मॉल इन साइज मोस्टली मोटाइल फीमेल गेमीट लार्ज इन साइज मोस्टली मोटाइल तो मे और मे नॉट बी मोटाइल बट दिस इज स्मॉल दिस इज लार्ज मोटाइल साइज बड़ा हो गया फीमेल का फीमेल गेमीट इज नाउ लार्जर हुआ क्या ना नेचर देखो यहाँ क्या सोच रहा है यहां देखो बोला दोनों मेल गेमीट और फीमेल गेमीट सेम बना देता हूं मैं दोनों को सेम टाइम रिलीज करा देते हैं बहुत सारे मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स बन रहे हैं एक साथ पानी में रिलीज किए जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है कंफ्यूजन हो रहा है कर क्या रहे हो ठीक है इतना वेस्टेज तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं फीमेल का साइज थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि फीमेल इज वॉट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इन टू जाइगॉट है ना एग के अंदर आपने बाद में वैसे भी देखा होगा एग का फर्टिलाइजेशन जब होता है तो मेल गेमीट से ज्यादातर सिर्फ न्यूक्लियस आता है साइटोप्लाज्म फीमेल गेमीट का होता है तो जब वो सारी चीजें उठा के जाइगॉट ही लेके जाएगा तो हम थोड़ा ज्यादा नरिशमेंट दे देते दे हैं दे, थोड़ा रिजर्व फूड मटेरियल ज्यादा दे देते हैं वी विल गिव दिस पर्टिकुलर गेमीट मोर मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर फूड रिजर्व ठीक है धीरे धीरे ने फिर डिसाइड किया कि और भी थोड़ा बेटर कर दो एक काम करो वो गेमी में फीमेल को चलने से मना कर दिया जाए उसको बोलो कि एक जगह बैठेंगे मेल गेमीड इज वॉट इज गोइंग टू ट्रेवल एंड फीमेल इज लार्ज एंड एंड ठीक तो मेल गे इज स्म एंड मोटाइल वेर एज द मेल फीमेल सॉरी मेल इज लार्ज स्मॉल एंड मोटाइल वेर एज फीमेल गीट इज लार्ज एंड इम मोटाइल बेटा मोटाइल और मोबाइल में डिफरेंस है ठीक है मोटाइल एंड मोबाइल कहां लिखू मोटाइल मोबाइल मोटाइल इज चल सकता है कैन मूव ऑन इट्स ओन मोबाइल इट कैन बी मूव्ड जैसे आप मोटाइल हो आपके पास टांगे ना आप चल रहे हो ऑटोमोबाइल्स, जिसमें आप एनर्जी गाड़ी में भर रहे हो धक् आप देखो बिल्डिंग है पूरी की पूरी बिल्डिंग आप बिल्डिंग नहीं खिसका सकते है ना बट आप किसी और स्ट्रक्चर को इट इज मोबाइल आप एक टेबल या सोफा है आप उसको धक्का मार के मूव कर सकते हो इसका मतलब इसका नहीं है है कि वो मोटाइल टेबल या चेयर खुद उठ के कहीं नहीं चली जाएगी बट आई कैन स्टिल शिफ्ट इट समवेयर ना इट इज मूवेबल बट अ होल बिल्डिंग इज नॉट मूवेबल आई कैन नॉट जस्ट अ बिल्डिंग एंड मूव इट समवेयर एल्स ठीक है तो जब मैं मोटाइल बोल रही हूं बोला जब इसका मतलब खुद से नहीं मूव कर पाएगा एक्सटर्नली कोई चीज धक्का मार दे तो आगे जा सकते थेके? तो मोबाइल नहीं बोला है मोटाइल बोला है एग्जाम्पल्सोगे स्पाइरो स्पाइरो स्पेशल कंडीशन जिसके अंदर इट शोज कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन में क्या होता है आपके दो स्पाइरो बस आसपास में साइड साइड आकर एक दूसरे को चिपक जाते ठीक है, दिस इज वॉट यू सी क्योंकि मेल और फीमेल गेमीट को देख के नहीं बता सकते हैं आप कि मेल है कि फीमेल है अगर दोनों के फिजिकल अपेयरेंस में मोर्फॉलोजी में कोई डिफरेंस नहीं है तो इट विल बी अंडर आइसोगेमी ठीक है देन ऊ गेमी के अंदर ऊ गेमी लास्ट वाला है बेटा उसमें आएगा वॉलवॉक्स कारा एंड फ्यूकस एंड आइसोगेमी में सम स्पीशीज ऑफ क्लमाइडोमोनास ठीक है लिख लिया नोटेड चले आगे चले शाबाश मूविंग अ हेड टू दिस टेबल जिन बच्चों ने बेटा नहीं बनाई है टेबल प्लीज बना लो प्लीज बना लो बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन इट देन टू डिक्टेट इट डिफरेंट समझ में आया मैं समझाना चाहती हूँ मैं सिर्फ तुम्हारी किताब में कॉपी पेस्ट नहीं कराना चाहती हूँ तो हर एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे और अगर पहले से लिखा है तो बहुत ही बढ़िया चलो आ जाइए फर्स्ट कैरेक्टर ऑल्सो नोन एज क्लोर ग्रीन आलगा फी ओफाइसी रोड ऑफाइसी ठीक है दे आर ऑल्सो नोन एज बेटा क्लियर शाबाश नाउ सेकेंड पॉइंट हैबिटेट रहता है और कहां रहना पसंद करता है ये टेबल एनसीआरटी में भी होगा इनिशियल पार्ट का कुछ फ्यू पॉइंट्स एनसीआरटी में भी एक टेबल के फॉर्म में दिए हुए हैं ठीक है बट थोड़े उससे हमने ज्यादा पॉइंट्स लिखे हैं व्हाई वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स थोड़ा बाहर एनसीआरटी के इतना बाहर जाना है कि चीजों को समझ में आ सके चीजें ज्यादा दिमाग में रिलेट कर सको सिर्फ रटना ना पड़े स्पेसिफिकली दिस चैप्टर, बिकॉज़ पीपल मजा नहीं आता उनको खुद बोले एलगी है पढ़ ले कचरा हो जाता है सब कुछ देखो फ्रेश वाटर सोल्ट वाटर ब्राकेश वाटर ब्राकेश वाटर ब्राक इज एक्सट्रीमली ज्यादा सोल्टीड ठीक है वेरी वेरी सालाइन वाटर ऐसे पानी तक में भी आपको ग्रीन आल की मिल जाती है ठीक लेकिन फेवरेट कौन सा है फ्रेश वाटर इज फेवरेट फ्रेश वाटर इज फेवरेट ठीक है फेवरेट कौन होगा अगर स्पेसिफिकली पूछ ले चार ऑप्शन दे दे चारों ऑप्शन अलग ऑल ऑफ द अब में कोई ऑप्शन ही नहीं है देन यू विल गो विद फ्रेश वॉटर फ्रेश वॉटर क्लोरोफाइसी सबसे फेवरेट और यहां क्या लिखा है देखो फाउंड एट शालोएस्ट डेप्थ सबसे कम गहराई अगर मैं पानी की बात करूं इफ दिस इज योर वाटर बॉडी ठीक है इतने में अगर आपके पास पानी है यहां पर अच्छा ऊपर सबसे ऊपर आपको क्लोरोफाई सी मिलेगी फिर आपको पियोफाई सी मिलेगी एंड देन यू विल फाइंड रोइन शस्ट मतलब सबसे कम गहराई पे कौन मिलेगा क्लोरोफाइसी। सबसे नीचे कौन मिलेगा रोडोफाइसी नीचे मतलब ओशन बेड पे नहीं जहां तक लाइट जा रही है वहां तक ही पहुंच सकते हम जहां लाइट ही नहीं जा रही ओशन के अंदर पता चला एकदम ओशन बेड पर आप पहुंच गए हो वहां तो लाइट ही नहीं है वहां तो आलगी हो ही नहीं सकता प्लांट है ना वी रिक्वायर लाइट तो जितना लाइट का पेनेट्रेशन है थोड़ा डीपर Uh, उसमें ओशन में आपको थोड़ा रो, रोडोफाइसी मिल जाएगा फी ऑफ मेराइन का मतलब क्या होता है ओशंस सॉल्टी वाटर फेवरेट यह भी सॉल्टी वाटर में मिलेगा फिर अबंडेंस इन वार्मर एरिया इन ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द ओशन, पे पे लाइट है वो रीजन जहां पे लाइट पहुंच रही है वहां तक के डीपेस्ट पॉइंट तक तो. ये नहीं आप बिल्कुल नीचे पहुंच गए ओशन बेट जहां अंधेरा टाइटानिक पहुंच गया था मेरे बेचारा डूब के वहां उसमें आपको ये वाला रेड आलगी लगा मिलेगा नहीं नहीं ठीक है शाबाश सेकंड पॉइंट डन थर्ड पॉइंट हैबिट ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिट एड एंड हैबिट हैबिट और हैबिट में क्या डिफरेंस है हैबिट एड जगह जहां रहते हैं हैबिट इज दिखते कैसे हो तुम इस हैबिटाइट में रहते हो बट तुम दिखते कैसे हो दैट इज योर हैबिट ठीक है तो ऑर्गेनिज्म की हैबिट कैसे हो सकती है कैसा कैसा दिख सकता है मेंबर्स कैन बी यूनिसेलुलर मल्टी सेल्युलर में आपके पास कॉलोनियल आ जाएगा एक कॉलोनी में या फिलामेंटस तीनों के एग्जाम्पल पीछे लिखे थे क्या लिखा था इसका एग्जाम्पल था फ्रमाइडोमस कॉलोनियल का एग्जाम्पल था वॉलवर्सोथ्रिक्स एंड स्पायरो गायरा स्पायरो हाउ डू यू लुक चलिए नेक्स्ट फी ओफाइसी फी ओफाइसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फी ओफाइसी को मैं ड्रॉ करूंगी बच्चा ध्यान देना और ना यहाँ पे क्योंकि ड्रॉ करने की जगह नहीं है तो आई विल बी ड्रॉइंग इट इन द ऑफ़ आईसी वाला कॉलम ठीक है मैं उसको रोड ऑफ़ आईसी वाले कॉलम में ड्रॉ कर दे रही हूं जगह नहीं है ना? तुम बोलो तो अलग बना देते हैं सिंपल एंड ब्रांच फिलमेंटस धागे जैसा भी हो सकता है सबसे बड़ी चीज इसकी है ये वाला ये है बेटा ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर Of of that is brown algae. Brown algae बड़ी मैं अलग पेज पे ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि जनता तो हमारी कंफ्यूज है ही आदि तो ऐसा दिखता है कुछ ये जो नीचे स्ट्रक्चर हुआ ना ये चिपकने के काम आएगा अगर रॉक पे चिपकना है किसी भी और चीज पे चिपकना है तो दिस इज नोन एज होल्ड फास्ट होल्ड फास्ट का फंक्शन अटैचमेंट टू तो सबस्ट्रेटम सबस्ट्रेटम का मतलब हुआ बेटा किसी चीज को चिपकना है उसको क्या चीज है वो रॉक लैंड समथिंग एल्स जो पानी में हो थोड़ा साइड में से अटैच हो किसी को शोर पे है तो दैट इज वेयर इट विल हेल्प ये स्ट्राइप डंडी स्ट्राइक डंडी प्रॉन्ड प्रॉन्ड इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर लीफ लाइक है तो क्या करेगा फोटोसिंथोसिस इट्स अ फ्लैट एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज मेजरली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस क्लियर शाबाश बच्चे गुड एक्सेलेंट कर लिया इन साइज ठीक है ये इतने ज्यादा लंबे हैं कि अगर इसको तैरने के लिए हमने मदद नहीं करी ना तो ये नीचे को डूब जाएगा वेट आ गया ना लेंथ के साथ साथ इट बिकम्स एंड वो डाउन तो ये फ्रॉन्ट वाले एरिया में यू मे फाइंड अ लॉट ऑफ बबल्स इन इट एयर ब्लाडर्स मिलेंगे आपको एयर ब्लाडर्स दे प्रोवाइड बॉयसी तैर उसको तैरने में मदद करेगा शाबाश हो अंजू भूल गई तुम मुझे राहुल कोई नहीं पहले डन पीछे जाओ ये उड़ जाएगा क्योंकि वैक्यूल नहीं है ये बिग ब्लैडर्स और कैविटीज हवा भरी हुई है ठीक है तो दीज आर नॉट एज सिंपल एज अ गैस वैक्यूल गैस वैक्यूल तो सेल के अंदर होता है ना बेटा वो आपको uh, साइनोबैक्टीरिया में मिलेगा ब्लू ग्रीन आलगी में ठीक में प्रेजेंट गैस वैक्यूल का प्रेजेंस भी हो सकता है इंटरनली सेल में बट ये प्रॉपर अच्छे खासे कैविटीज है जिनमें हवा भरी हुई है ठीक है मूविंग ऑन टू द लास्ट रोडोफाइसी हैज वेरी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन रोडोफाइसी डन नोटेड नोटेड शाबाश एक्सिलेंट पॉइंट नंबर फोर सेल वॉल किसका बना है क्लोरोफाइसी में सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोस का और पेक्टिन का कैसे दिमाग में रखी जाए चीज देखो आलगी का डर क्या है आलगी पानी में रहता है उसको यह है कि भाई पानी नहीं मिला तो क्या करूंगा मैं कौन रो रहा है ये क्या हो गया सारे नोट्स भेजे रोना पहले शुरू कर दिया कर तुम हाय 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 चाची कम देखा करो ये तुम सास बहू सीरियल थोड़े सब नोट्स भेजें एक क्लास हुई नोट्स भेजे हैं टेलीग्राम पे अच्छा व्हाट वॉज आई डेलिंग सेल्यूलोस तो देखो प्लांट प्लांट सेल है प्लांट सेल का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस पॉइंट ओवर ठीक है दूसरी चीज डर क्या है उसको पानी खो गया तो बाय चांस एवरीथिंग ड्राइज अप इफ अनफेवरेबल कंडीशन इफ चांस मैं सरफेस पे हूं और बहुत है और सारा पानी उड़ता जा रहा है क्या करूंगा मैं अगर मेरे आसपास से पानी चला गया तो वॉल में उसने कुछ ऐसे कंपाउंड्स लगा दिए हैं जो पानी होल्ड करने की कपेसिटी रखते हैं ठीक है पानी होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो वो पानी को पकड़ के रखेगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे आपको सर्दियों में बहुत ज्यादा लिप्स ड्राई हो रहे होते हैं तो आप वैसलीन लगा लेते हो वैसलीन इज इज गोइंग गोइंग टू टू डू इट अवॉइड लॉस ऑफ अगेन ठीक है और फिर जो करे जा रहे हो है ना जो आपका सलाइवा आप बार बार अपने लिप्स पे लगा रहे हो उससे और ड्राई हो रहा है तो वैसलीन उसके लिए एक बैरियर बन गया तो यहां पे एक वैसलीन जैसा ही मान लो चीज इट इज मोर ऑफ अ वॉटर होल्डिंग कंपाउंड अंदर पानी होल्ड करके रखेगा और इसीलिए अगर आप किसी भी आलगी को छूते हो ना तो बड़ा स्मूद और स्लाइमी सा लगता है ऐसे स्लिपरी सा होता है है ना यू सी दैट वेरी स्लिपरी फॉर्म ऑफ आलगी वो नेचर आएगा उसका किससे वॉल से तो ग्रीन आलगी ने बोला कि मैं पेक्टिन ले रहा हूं मैं आउटर वॉल में अपने पेक्टिन लगा दूंगा पेक्टोज लगा दूंगा जो पानी मेरे लिए होल्ड करेगा बोला ठीक है तू आलगी ग्लोरोफाइज ने बोला मैं पेक्टिन ले लिया ठीक है भाई फीओफाई से बोला मैं ले रहा हूं

वाटर होल्डिंग क्लोइडल सब्सटेंसेस जो पानी होल्ड करने की सॉलिड कैपेसिटी रखते हैं यही अगर अगर आप रेली निकाल लेते हो और जेलीज करते हो एजेंट आइसक्रीम्स में यूज होगा ठीक है कल्चर में प्लांट के लैब में यूज होगा सो लॉट ऑफ दीज आर एक्सट्रैक्टेड एट कमर्शियल लेवल ठीक क्या करने के लिए वही, पानी अच्छे से होल्ड करने के लिए right? Getting my point? तो सबने क्या करा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि एकदम से ज्यादा पानी लॉस ना हो जाए अपने वॉल में एक ऐसा कंपाउंड लगा लिया है जो पानी होल्ड करके रखता है क्लोरोफाइसी गोज विथ पेक्टोज

लेखो बी सी डी ए ए ए बी सी डी ठीक है बी क्लोरोफिल ए और बी का कॉम्बिनेशन क्लोरोफाइसी में आता है ए और सी का कॉम्बिनेशन फीओफाइसी में आता है ए और डी का कॉम्बिनेशन रोडोफाइसी में आता है ठीक अपार्ट फ्रॉम दीज अपार्ट फ्रॉम दीज ये तो मेन पिगमेंट्स है एक तरीके से स्पेशली क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस करता है बाकी कुछ प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स होते हैं जो कि आपके आर्गी को प्रोटेक्ट करने में और उसके क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करने में इन्वॉल्व है राइट दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग योर पिगमेंट मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए जैसे कि कैरोटीन कैरोटीन इज रेड ऑरेंज इन कलर रेड ऑरेंज इन कलर जैंथोफिल्स आर येलो ब्राउन इन कलर येलोइश ब्राउन इन कलर ठीक है अब वही बात हो गई कौन सा पिगमेंट ज्यादा है ना आपने बहुत सारे कलर्स मिलाए लेकिन कौन सा वाला कलर ज्यादा वही निकल के आएगा यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड बी आर मोर डोमिनेंट तो ये ग्रीन हो जाता है इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट वी गेट ग्रीन कलर ठीक है यहाँ पे जैंथोफिल्स की वजह से हमें ग्रीन कलर ब्राउन कलर मिलता है ब्राउन इज ऑल सा ग्रीन गंदा मडी ग्रीन ऑलिव देखे होंगे आप लोगों ने

आर फाइको एरिथ्रिन ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी में एरिथ एरिथ गोस फॉर रेड एरिथ्रोसाइट्स या तो रेड ब्लड सेल्स है ना एरिथ्रोसाइट्स एरिथ वर्ड जब हम यूज करते हैं दैट इज मेजरली सिग्निफाइंग रेड तो आर फाइको एरिथरिन आर स्टैंड फॉर रेड एल्गी फाइको एल्गी एरिथ्रिन रेड आर फाइको एरिथ्रिन साइनल, अजलल, ब्लू इन ये है। और यहां पे कलर जो आएगा, वो कलर का ही आएगा ब्लू तभी वो वापस है। देखो ना ग्रीन अगर आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब ग्रीन एब्सॉर्ब नहीं कर रहा कलर ग्रीन आपकी तरफ फेंक रहा है विजिबल स्पेक्ट्रम के बाकी को एब्सॉर्ब किया जा रहा है सिर्फ ग्रीन को नहीं किया जा रहा है तो ग्रीन ठीक है क्लोरसी मेजरली रेड एंड ब्लू ठीक है ये रेड दिखाई दे रहा है इसका मतलब रेड नहीं एब्सॉर्ब कर रहा बाकी कर रहा होगा मेजरली ब्लू स्पेक्ट्रम को करता है है ठीक भाई एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वेश्चन आया एक अगर अगर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो एलगी मर जाएगा हाँ सो सैड आई नो दिल पे लगती ना बात मेरे भी लगी सो so सैड क्या कर रहे हो अब ये तो वही बात हो गई ना, ना हमने पालक खाया तो पालक मर गया ओ मरेगा ही ना खा गए तुम उसको चलो कलरेशन डिफरेंट टाइप ऑफ कलर मेजरली आपको पता है ग्रीन आलगी ग्रीन फी ब्राउन रेड रोडोफाइसी रेड ये रेड कलर एब्जॉर्ब कर डू टू फ्यू को जानते हैं ये मैम इतना बड़ा कॉलम क्या ये याद करना है इतना ज्यादा इतना एक तो रहे उनको ये ना इधर उधर बहुत जगह सारी जगह पर अलग अलग तरीके से दिया हुआ है ठीक है तो आई जस्ट वॉन्टेड इन योर नोट्स पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना ज समथिंग दैट यू कैन गो अटल एक्स्ट्रा ठीक है प्रीवियस क्वेश्चन में शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट के लिए ले, लेकिन जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर इट गो फॉर इट इफ यू डोंट दैट्स टोटली योर चॉइस बट मैं बता रही हूँ कि अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो यहां मिल जाएगा ठीक सबसे पहले द शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिफर इन क्लोरोफाइसी पहला प्लेट लाइक मेजरली कॉमन होता है रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क नेटवर्क लाइक ऊडोगोनियम ठीक है ऊडोगोनियम कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट क्लमाइडोमोनास ये इंपॉर्टेंट है एक सिंगल सेल है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट दिखेगा मैं आगे एक बार शेप दिखाऊं दिखाऊप से दिखाती हूँ उनको ये रहा

अंदर ऐसे स्पाइरल जैसा रिंग जैसा जा रहा है रिबन जैसा राइट स्पाइरो बचपन में भी पड़ा होगा स्पाइरल शेप्ड और रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट ठीक नेक्स्ट ये दोनों बड़े कॉमन तो ये दोनों तो याद होंगे बाकी ऑप्शनल है क्राउन शेप्ड वॉशेरिया ठीक है आप दो वी बनाओगे ना तो आपको ऐसे क्राउन जैसा दिखता है तो दो वी बना दो वॉशेरिया में वी आता है दो वी बनाओ क्राउन जैसा लगेगा ठीक है दूसरा गर्डल शेप और सी शेप इज इन यूलोथ्रिक्स गर्डल शेप या सी शेप होता है ऐसा कॉलर शेप इसमें मिलेगा ठीक है कैसा दिखता है ना बेटा थोड़ा ऐसे जैसे 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 कॉलर तो है नहीं अभी यहाँ कहीं डिंग डिंग एक मिनट दोगे मुझको कुछ तो मिल ही जाएगा जैसे ये यहाँ पे ऐसे ये ऐसे कर्ल्ड होगा ठीक है लाइक दिस बढ़िया ठीक है अब अगला देखो चलो नेक्स्ट स्टार शेप्ड स्टार स्टारशेप जाइगनीमा स्टार शेप बनाने के लिए ऐसे जैसे जेड बनाते हो ऐसे ऐसे स्टार बना लो ठीक है ऐसे जेड बनाना शुरू करो विंग स्टार बना दो जाइगनीमा स्टार स्टारशेप मा यूल सी यूर टू के दिस दिस इजगनीमा स्टारेप क्लोरोप्लास तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए वेरिड ले आएगा ठीक है डिस ओवल वाला जो है वो मैक्सिम एलगा में आपको मिलेगा यूल फाइंड इन लार्ज नंबर ऑफ एल्गी कारा वगैरह में भी वही है ठीक है प्लेट लाइक और डिस्क लाइक लिख लिया यहां तक लिख लिया यहां तक लेट्स गो लेट्स गो अहेड मूविंग ऑन हा हाँ नोट इकट्ठे कर लो रद्दी की दुकान है तुम्हारी नोट इकट्ठे करो दो दिन हुए नहीं निक्लास बोर्ड पे लिख नहीं रही हूं दिख नहीं रहा है लिख नहीं सकते हाथ में प्रॉब्लम कुछ क्योंकि टाइप तो सारी बकवास कर लेते हो मेरी क्लास में पढ़ने आया करो बकवास करो जिसकी क्लास में करनी है कोई टेंशन नहीं मुझे चलो नेक्स्ट रिजर्व फूड मटेरियल क्या चीज के फॉर्म में खाना स्टोर किया जाएगा क्लोरोफाइसी स्टोर्स इट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड पायरेनोइड स्टार्च पायरेनोइड्स इसको सॉरी स्टार्च एंड प्रोटीन नोन एज पायरेनोइड ठीक है अब देखो पी से स्टार्ट कर रहे हो ना बड़ा सा पी लिख लो बीच में पायरेनोइड में पी से आप स्टार्ट वर्ड स्टार्ट विथ पी बड़ा सा प्रोटीन आ गया बीच में इसके सारे चारों तरफ स्टार्च लगा होगा सराउंडेड बाय स्टार्च एस एस पायरोनोइड स्टार्ट विथ पी एंड विथ एस तो सेंटर में बिल्कुल बड़ा वाला स्ट्रक्चर प्रोटीन और चारों तरफ उसके स्टार्च ऐसे छोटे छोटे बन जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स इज दैट वी हैव इट इज इन स्टोरेज इन फिओसीटोल और मैनिटोल और एल्कोहोलिक शुगर्स एक्सक्लूसिव टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी

एपिक्स में दो फ्लाजिला है और दोनों का लेंथ सेम है इक्वल इन लेंथ एपिकल स्पोर्स ऑफ पीओफाइसी ब्राउन आलगा, पियर शेप्ड है और साइड को फ्लाजिला है दो लेंथ के, क्लोरोफाइसी में एपिकल फ्लाजला बहुत इक्वल इन लेंथ पीओफाइसी में एक लंबा फ्लाजिला एक छोटा फ्लाजिला साइड में है लेटरली प्लेस्ड and equal laterally placed flagella biflagellated motile ठीक लास्ट रोडोफाइसी रोडोफाइसी में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा देयर इज नो फ्लैजेला प्रेजेंट इन रोडोफाइशियन मेंबर्स अगर क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है कि ऐसा है आलगी, मैं गया एक जगह पे घूमने वहां मुझे मिला ये वाला आलगी, उसमें ये है ये है bla 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 no flagellated structures रोडोफाइसी कुछ और देखना ही नहीं है हमको सीधा टिक लगा हो रोडोफाइसी पे नो मोटाइल स्ट्रक्चर नाइदर के मीट नोर स्पोर्ट्स कुछ भी मोटाइल नहीं मिलेगा ठीक no है बच्चा नथिंग नो मोटाइल स्ट्रक्चर इन रोडोफाइसी नेक्स्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में तीनों है आइसो एन आइसो उगे में तीनों टाइप मिल जाएंगे इन दोनों में तो वैसे आ रहा था आ रहा था वो गेमी के अंदर एग्जाम्पल आपका आ जाएगा कारा वॉलवॉक्स ठीक फिर फी ऑफ मेंबर्स में भी आपको तीनों मिलेंगे आई सो एन सो वो गेमी ऑल थ्री आर देर लास्ट वाले में ऊ गेमी मिलेगा लेकिन गेमीट्स आर एब्सोल्युटली नॉन मोटाइल एब्सोल्युटली नॉन मोटाइल <clears throat> ठीक है नाउ कम्स एग्जाम्पल क्लेमाइडो मना देर से सुनते ही आ रहे हो फर्स्ट वॉलवॉक्स कारा ना कारा इज सम न्यू कारा अभी तक हमने पीछे बात नहीं करी थी बेटा कारा ऐसा देख, देखो। ये ठीक है दिस इज हाउ कारा लुक्स लाइक इसका थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर मैं यही बता रही हूँ रीजन पूछो क्यू बोलो क्यू मैम इसलिए क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सॉरी ट्वेल्थ क्लास में एक चैप्टर है आपका ऑर्गेनिज्मिज्म वो जो रिपोर्डक्शन ऑर्गेनिज्म आपके पास है है ना उसमें इसका में में आ जाता है। और उसके में पूछ ले जाते हैं कभी कभी तो just drawing इन दो मिनट दे दो मुझे एक बार देख लो ये आपका वॉलवॉक्स है वॉल्वोक्स के अंदर एक छोटी छोटी जगह मिल रही है और एक ये बड़ा सा कॉलोनी मिल रहा है कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स इज नोन एज कॉमेंट सेक्शन क्विकली जल्दी कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स इज नोन एज क्विक कमेंट सेक्शन में जल्दी जाइए मुझे आंसर पांच एग्जांपल इसके पांच इसके याद करो फ्लेंस सबका इनिशियल अल्फाबेट ले लिया मैंने ठीक है गुड बेटा एक्सेलेंट सिनोबियम ना हाँ तो इसका कॉलोनी हो गया सिनोबियम आप देखो सबके इनिशियल अल्फाबेट ले लिए लिएफाइसी में और उससे एक वर्ड बना लिया ठीक फ्लेज में एफ स्टैंड फॉर फ्यूकिसमिन फॉर ई फॉर एक्टोकार्पस डी फॉर डिक्टियोटा एंड एस फॉर सास ठीक है राइट सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न छोटी छोटी चीजें फिर कल की क्लास में हमने जब लाइफ साइकिल्स पढ़ा था तो उसमें हमने सीधा सीधा बोला था कि फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है तो उसका एग्जाम्पल यही टेबल में लिख लिया दो बार दिखेगा तो दिमाग में रहेगी चीज लाइफ साइकिल और इसके साथ साथ आप कैल्प्स भी लिख सकते हो कैल्प्स ऑल्सो शो हैटिक लाइफ साइकिल ठीक है लास्ट आता है मेरे पास रोडोफाइसियन मेंबर्स इसको पीपीजीजी से याद रख लो पीपीजीजी पीपी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कल की क्लास में बताया था दूसरा पी फॉर फायरा एडिबल शीट्स आते हैं सूशी वगैरह में लगाया जाता है खाया जाता है मस्त बिंदा जी अनदर फॉर ग्रास एलेरिया इससे एक्सट्रैक्शन ऑफ आघार होगा बेटा कमर्शियल लेवल पे जो जेलीज और ये सब बनाने के लिए होता है उसमें हम ज्यादातर ग्रास एलेरिया से निकालते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं जेलीडियम से भी आ सकता है से भी आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है बट मेजर सोर्सिसरिया बट बोथ आर करेक्ट ओके दो और एड किए मैंने इफ़ यूट टू रिमेंबर इट्स इफ यू डोंट टू रिमेंबर नो प्रॉब्लम आयरिश मॉस अभी गड़बड़ कर दी ना हमने मॉस बोल दिया जबकि ये एल्गी है मॉस बोल दिया जबकि ये एलगा है ये गड़बड़ की यू शुड नॉट डू दिस बट कॉमन नेम तो कुछ भी बोल देता इंसान इसलिए साइंटिफिक नेम स है कॉमन नेम इज आयरिश मॉस कॉमन नेम तो जैसा दिख रहा है वो बोल दिया उसको बेचारे को बेट्रैको स्पर्म इसलिए लिखा है मैंने बिकॉज इट इज अ फ्रेश वॉटर रेड आलगी रेड आलगी ओशन में रहता है तो नहीं है मीठा पानी है ना वो तो नमकीन पानी में रह रहा है मिलाइन वाटर में रह रहा है हैबिटेट बट वी हैव अ फ्यू स्पीशीज Is one of them, जो फ्रेश वाटर में रहती है और इट इज नॉट इवन रेड इन कलर मैम फिर इसको रेड आलगी में रखा क्यों ठीक है इसको रेड आलगी में रखने का रीजन ये था कि बिकॉज ऑफ द फाइको आर फाइकोर इन क्वॉंटिटी ज्यादा नहीं है तो ये रेड कलर नहीं दिखा रहे है। ठीक है बट बहुत सारे और बॉडी स्ट्रक्चर्स और लाइफ साइकिल रेड एल्गी जैसा चल रहा है ठीक है तो ये बाकी दो में रखे उससे ज़्यादा बेटर है इसमें रख दे तो एक कैरेक्टर पे कभी भी क्लासिफिकेशन नहीं होता, एक कैरेक्टर पे आप पूरा क्लासिफिकेशन नहीं दे सकते हो यू हैव टू फैक्टर्स है ना यू तो देखो यही सारे एग्जाम्पल जो इस टेबल में है उन्हीं का पिक्चर देख लो एक बारी में देख लो फ्यूकस ये है फ्यूकस इसमें दिख रहे देखो फूला फूला ये कैन यू सी द बल्बस बल्बस ये फूले फूले स्ट्रक्चर दिस इज एयर ब्लाडर तैरने में मदद करेगा ठीक है आपको इसमें भी दिख रहे होंगे ये देखो यू विल सी ऑल्सो एयर ब्लाडर्स हेल्प इन बाइनसी तैरने में मदद करेगा ठीक है लैमिनेरिया डेक्टा फ्यूकिस एंड ब्राउन आएगा ठीक है जी. नेक्स्ट रोडोफाइसी ये पोर फायर है सूख जाता है एकदम ब्लैक कलर का शीट सा बन जाता है सुशी रोल्स बनाने में काम आता है जिन बच्चों ने खाया होगा उनको पता होगा अंदर एक ब्लैक कलर का सा शीट होता है क्योंकि ये सूखने के बाद थोड़ा डार्क हो जाएगा जैसे हमें भी जब खून निकलता है क्लॉट होता है तो एकदम डार्क रेड ब्लैकिश नहीं हो जाता वैसा ड्राई होने के बाद कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा डार्क में दिस इज पॉलीसाइफोनिया जेलीडियम ग्रासिलेरिया कॉन्ड्रिस विच वॉज आ रेड एल्गी विच इज नॉट रेड इन कलर बढ़िया दिस कंप्लीट एल्गी स्टार्टिंग विथ ब्रायोफाइटा रेडी स्टार्टिंग विथ ब्रायोफाइटा हां जी बच्चा अनमोल करेक्ट सिनोबियम के साथ अच्छा हाँ ओह हो कारा समझाना था मुझे दिस इज़ आल्सो रोलिंग रोल कर जाएगा ऐसे बॉल के अंदर बॉल 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 इसको ड्रॉ कर रही हूं मैं एक बारी ना ध्यान से देख लो बेटा एक बारी आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट वंस कारा को जब आप देखोगे तो आपके पास कारा आता है ऐसा कंप्लीट उसका बुश और इसमें आते छोटे छोटे ऐसे ब्रैक्स हम ना इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं लेट्स मैग्निफाई दिस आउट तो एक जो लंबी सी डंडी है ना ये तो कहलाती है लॉन्ग एक्सेस ये छोटी वाली डंडियां कहलाती है शॉर्ट एक्सेस तो हम शॉर्ट एक्सेस को देख रहे हैं यहां से छोटा सा पार्ट कट किया इन नाउ आई एम गोइंग टू लुक एट दिस इज ब्रैक इज शॉर्ट एक्सेस एंड ये आ गया आपका ब्रैक इसमें छोटा सा ऐसे हल्का सा एक्सटेंशन लीफ जैसा एक्सटेंशन ठीक इस ब्रैक के ऊपर की तरफ आपको ऐसे एलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर दिखेगा ये जो ऊपर आपको दिख रहा है दीज आर फाइव क्राउन सेल्स ठीक है यहां अंदर इसके बैठा है बेटा कौन फीमेल गेमीट एग कौन बैठा हुआ है फीमेल गेमीट बैठा है अगर ये फीमेल गेमीट कैरी कर रहा है दैट मीन दिस इज द स्ट्रक्चर दैट कैरी इज द गेमीट फीमेल सेक्स ऑर्गन तो इस पूरे को आप क्या बोलोगे दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज गोनियम या फिर उगोनियम नॉट गोनियम सॉरी नॉट आर्की गोनियम उगोनियम ऊ गोनियम नाम दूसरा दूसरे वाला का भी साथ साथ बताऊंगी नीचे गोल्स स्ट्रक्चर है आपके पास ठीक है एट द बेस यू फाइंड अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ठीक इसके बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर्स, ये बाहर एट शील्ड सेल्स बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव लेयर आठ सेल्स हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इसको क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं अंदर थ्रोजॉइड गेमिट, एग फीमेल गेमिट, मेल गेमीट इज एंथ्रोजॉइड जब मेल गेमीट इसके अंदर प्रेजेंट है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथ्रीडियम एंथ्रीडियम गोल मटोल सा है ठीक इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोब्यूल ठीक वेर एज यूगोनियम इज ऑल्सो नोन एज निक्यूल क्या बोल दिया इसको निक्यूल राइट नाउ इसके लिए नीचे वाले की के स्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन के लिए आठ शील्ड सेल्स थे ऊपर वाले के प्रोटेक्शन के लिए भी आपके पास बाहर लैस होंगी एंड आर नोन एज फोर ट्यूब सेल्स बात समझो यहां पे मेरी ट्राई अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट किसी भी और आलगी के अंदर आपको ऐसे कवर्ड सेक्स ऑर्गन्स नहीं मिलते इतना डेवलप्ड अभी आलगी है ही नहीं ठीक है आलगी इज नॉट दैट डेवलप्ड दैट इट विल हैव सो मेनी फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन इट पटकारा ज वन ऑफ दलगी जिसके अंदर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट जैकेटेड सेक्स ऑर्गे आपको मिलेंगे कवर्ड सेक्स ऑर्गन आपको मिलेंगे दूसरी चीज सेकेंड पॉइंट एक ही पेड़ पे मेल और फीमेल दोनों रह रहे हैं, मेल और फीमेल का एक ही घर है वन होम मोनो ईशियस मोनो मीन वन ईशियस मीन होम मेल एंड फीमेल आर ऑन द सेम प्लांट बॉडी हेंस इट मोनो ईशियस कारा को हम कुछ नाम से और जानते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज स्टोन वट क्यों क्योंकि स्टोन वगैरा पे प्रॉपर आपको चिपका आपको अच्छे से मिलेगा अटैच क्लियर डन याद दक इसको ऐड कर लेना दिस विल बी यूजफुल इन रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म इन ट्वेल्थ क्लास वहां पे पूरा डिटेल में है ये इतना ही फिर से आ जाएगी बात तो क्वेश्चन बार बार आपसे ना पूछ ले कोई और आप इधर उधर ना हो जाओ कंफ्यूज ना हो जाओ गुड कोई प्रॉब्लम नहीं है मत लिखो चार्ट में नोट्स लिख लो कोई बात नहीं बेटा एब्सोल्युटली ओके नो प्रॉब्लम ठीक है नाउ स्टार्टिंग विद इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका क्योंकि ये उड़ने वाला है अभी मैंने स्लाइड रिसेंटली ऐड किया था हाँ चलो लेट्स गो तो ये हो गया देखो आपको रेड रेड वाला पार्ट दिख रहा है ना रेड पार्ट नाउ यू नो दैट दिस इज ग्लोब्यूल और ये निकूल ऊपर की तरफ है बेटा तो अडाक्शल सरफेस पे होगा ऊपर वाला सरफेस है ना अडियल साइड और ये नीचे की तरफ है तो ग्लोब्यूल इज ऑन दल साइड अबैक्शियल बी बी फॉर बेस बी फॉर लोअर साइड है ना बेस इज लोअर साइड बी फॉर अबैक्शियल में बी आ रहा है और लोअर साइड पे है तो अब एक्शल बेस के लिए यूज कर दिया हमने अडेक्शल जिसमें डी आता है डी इज द डोर्सल डोर्सल इज अपर साइड तो अडेक्शल डोर्सल ऊपर वाला पार्ट हो गया अब एक्शल बेसल नीचे वाला पार्ट भाई साहब एक दिन में बैकलॉग भी हो गया जन्नत आवाज टैलेंट है भाई ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा हमारे बिचारे बेबी बेबी प्लांट आल की बैठा था आराम से पानी में तैर रहा था बोले यार कुछ नया करना है तूफानी बहुत टाइम हो गया सालों हो गए पानी में पड़े हम लेट्स मूव टू लैंड ठीक है चल ऊपर चल के आते हैं तो उसने बोला चलो इवॉल्व करो ऐसे प्लांट जो लैंड पे रह सके तो धीरे धीरे ऐसे प्लांट्स इवॉल्व हुए जो लैंड सर्फेस पे भी सर्वाइव करना सीख रहे थे And the first category of plants that shifted to land or were seen on land, bryophyta. Okay. So bryophyta, ke baare mein kuch simple simple points. Very very to the point. Pehla. These are small. Are Ha. They're first amongst the land. First land plants. Okay. फर्स्ट लैंड प्लांट्स लेकिन पानी से निकले हो अभी अभी क्या पसंद होगा ऐसे डैम सा गीला गीला थोड़ा मौसम बारिश का सा मौसम है ना डैम कूल शेडेडिटेट इज वॉट वी प्रेफर रहना है? थोड़ा सा ऐसे ही बारिश वारिश के मौसम में रहते हैं। ठीक है तो वो रहने लगे दीज आर ऑल्सो एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज रहते ही लैंड पे हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए रहना लैंड पे है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए तो दे आर प्लांट किंगडम ठीक है ओके okay. अब कल की क्लास में मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी चार वर्ड्स हमने बड़े बड़े डिस्कस किए थे ठीक है जिसमें कि हमारे पास सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक था एम्ब्रियो पे सिंस देयर लाइफ साइकिल हैज एम्ब्रियो दीज आर फर्स्ट एम्ब्रियो फाइट्स इज द फर्स्ट एम्ब्रियो फाइट्स पहला ऐसा प्लांट लाइफ साइकिल है जिसमें एम्ब्रियो का प्रेजेंस दिखेगा आपको ठीक है दूसरा वैस्कुलर सिस्टम नहीं है इनके पास ए ट्रैकियो पाइप्स डू नॉट हैव देयर ओन वैस्कुलर सिस्टम क्योंकि पेड़ का साइज पता है इतना सा टिंगू पेड़ इतना सा पेड़ है अल्ट्रा लेवल टिंगू पेड़ ठीक है दूसरा थर्ड पॉइंट सीड्स बनाएगा नहीं बनाएगा ए स्पर्मैटो क्स ऑर्गन तीनों चारों शब्द का अगर मतलब नहीं पता है तो हमको क्या करना होगा हम जाएंगे कल की क्लास देख के आएंगे लेकिन अगर हम वो भी नहीं करेंगे तो फिर मैम नहीं देंगी क्लास का लिंक क्योंकि पढ़ाई से नहीं पढ़ाई होती ठीक है करे जाओ स्पैम बिल्कुल आंसर नहीं करूंगी हा नेक्स्ट लिवर वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज सॉरी आर डिवाइडेड थ्री कैटेगरीज लिवर वर्थ्स वर्ड्स एंड मोसिस अब तीन कैटेगरी में से हमको सिर्फ दो कैटेगरी पढ़ना है और दोनों कैटेगरी का भी जनरल लाइफ साइकिल पढ़ना है ठीक है ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लाइफ साइकिल में देखेंगे एक बार वर्ड्स में एग्जाम्पल हमारे पास रिक्शा हॉर्न वर्ड्स में हमारे पास आता है बट वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल्स ऑफ वर्ड्स क्योंकि अपने पास है ही नहीं एनसीआरटी में वो यू कैन कंप्लीटली लीव दिस एग्जाम्पल एक याद रख सकते हो एट मैक्स लास्ट इज मॉसेस मॉसेस आर अ कैटेगरी ऑफ ब्रायोफाइटा वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कैटेगरी ऑफ ब्रायोफाइटा And तीनों के डिटेल्स पे आऊंगी मैं वापस इस, स्लाइड पे मैं इस स्लाइड पे रिटर्न बैक ठीक अभी हम आगे लिख रहे हैं अब एक नई जिंदगी एक नई लव स्टोरी शुरू हुई तो किरदार तो समझे पहले स्टार्ट विदर्मिनोलॉजी दैट विल बी यूज इन

एलगी का मेन प्लांट बॉडी कौन सा था हेप्लॉइड के डिप्लॉइड जल्दी कॉमन सेक्शन जल्दी कॉमन सेक्शन एलगी इज मेन प्लांट बॉडी वॉज हेप्लॉइड और डिप्लॉइड गोरोप्लॉइड है ना हेप्लॉइड बॉडी थी गेमिटोफाइड वॉज द मेन बॉडी स्ट्रक्चर तो इतनी जल्दी सब कुछ चेंज नहीं करेंगे है ना कि बाहर चले गए नाम भी बदल दिया सब कुछ बदल दिया खानदान बदल दिया और फिर रह रहे बाहर मूव किए हैं, बट मेन प्लांट बॉडी अभी भी क्या है गेमीटोफिटिक तो जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहां पे मार्केशिया का स्ट्रक्चर देखो लिवोवर्ट्स हेडिंग डलेगी नोट्स में लिवोवर्ट्स मार्केशिया मार्केशिया प्लांट बॉडीज डायशियस मेल अलग बॉडी पे रहता है फीमेल अलग प्लांट बॉडी पे रहती है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट बॉडीज फूल है दूसरा पॉइंट मेन प्लांट बॉडी अभी भी हैप्लॉइड है तो डोमिनेंट फेज डोमिनेंट फेज गेमीटोफाइट फ्लॉइड ऑफ गेमिटोफाइट तो मेल प्लांट बॉडी इज स्टिल हैप्लॉइड ठीक है अब आप इसको ध्यान से देखो क्या आपको इसमें प्रॉपर रूट स्टेम लीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है दैट मीन्स हेलोइड मतलब नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड हिंडू रूट स्टेम और लीव सिंपल ठीक है उसकी जगह पूरा एक फ्लैट गिरा हुआ पत्ता है पत्ते जैसा है राइट right. थोड़ा सा फोलियर नीचे उसको सबस्ट्रेटम को जोड़ने के लिए कौन काम आएगा आई वॉन्ट टू चिपको टू अर रॉक हु ज्वाइन मी टू अर रॉक आई डोंट हैव एनी रूट तो हमें एक रूट लाइक स्ट्रक्चर मिल गया क्या स्ट्रक्चर मिल गया वी फाउंड अ रूट लाइक स्ट्रक्चर इन मार्केशिया रीडिंग लगाओगे तो मुझे बड़े प्यार से याद करोगे चिंता मत करो और अगर बाई चांस कहीं एनसीआरटी में भी फंसते हो एनसीआर स्निप्स करके मैंने रीड कराया हुआ है प्लांट किंगडम तो उसको रेफर कर लेना वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तुम्हारा राइजॉइड आर यूनिक सेल्यूलर एंड अन ब्रांच ठीक है राइजोइ्स विच इज नॉट एक्जैक्टली रूट एक सिंगल सेल का यार ब्रांच भी नहीं है सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है अंदर घुसे हुए ठीक दे आर एंटरिंग इन साइड थोड़ा सा किस चीज में हेल्प कर रहे हैं अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर ठीक है रूट लाइक अटैचमेंट में हेल्प करेगा एब्जॉपशन में हेल्प करेगा ठीक बढ़िया अब इसी स्ट्रक्चर को देखो नीचे की तरफ राइजॉइड्स तो नीचे की तरफ थे ऊपर की तरफ वॉट विल यू फाइन यू कैन सी अ लेबलिंग कॉलर जेमा कप ठीक है ये दोनों स्ट्रक्चर दिखा रही हूं बेटा मैं लेकिन इसको थोड़ा सा और लेबल करो और सुन लो इसमें क्या है समझो जेमा कप ऊपर की तरफ दिखेगा क्या है जेमा कप ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का तरीका हेल्प्स इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से राइजोइड स्ट्रक्चर नीचे दोनों दोनों स्ट्रक्चर्स हैं इन दोनों में से आएगी डंडी डंडी को हम प्यार से बोलते हैं फोर डंडे इज वेरी प्यारोन एज फोर ठीक है अगर मेल सेक्स ऑर्गन कैरी कर रहा है तो एंथरीडियो फोर अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन कैरी कर रहा है तो आर्कीगोनियोर मेल सेक्स ऑर्गन एंथरीडियो फोर फीमेल सेक्स ऑर्गन कैरी कर रहा है फोर बिकॉज फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्गोनिया मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया ठीक है यहां तक आई बात समझ यहां तक आई बात समझ क्लियर हां अब आते हैं अगले पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट लुक एट दिस डू यू सी द डायग्राम मतलब पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को क्या आप इसमें से दोनों में से बता सकते हो मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है इफ आई लेबल इट अगर मैं इसको ए लिख दूं और इसको मैं बी लिख दूं तो कौन सा कौन सा है? मेल कौन सा फीमेल कौन सा कैन यू टेल बताओ फिर बताओ फिर शाबाश वन और इज मेल ये ऐसे ड्रे जो ऐसे ड्र कहला हुआ सा है ना मेल वेला जिसमें प्रॉपर रेज आ रही है ऐसे अम्ब्रेला जैसा पूरा प्रॉपर रेज आ रही है दीज आर नोन एज दिस विल बी सीन इन मेल फीमेल और आप नीचे देखो एक बार झुक के इधर देखो कैन यू सी दिज स्पोर्स जेमा स्पोर का कैविटी दिखा आप नीचे देखोगे तो आपको ऐसे कप्स दिख रहे हैं जेमास कप ठीक चलो आगे ये है आपका जेमा कप का फोकस दिस इज वॉट जेमा कप्स लुक लाइक अगर मैं इसको यहां से काट दू ना देखो यहां से काट दू और साइड से देखू तो ये दिखे स्पोर्स आर सीन एंड मार्क इंशिया जेमा स्र सीन इन मार्किशिया एंड ऑल्सो रिक्शिया दोनों में देखेंगे लिवर वर्ड्स में मिलते हैं आपको फॉर सेक्शुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब माइटोसिस होने का है ठीक है सो आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस एंड दे आर ए सेक्शुअल स्पोर्स ज आर ग्रीन इन कलर आप देख सकते हो वो ग्रीन कलर के हैं अंदर दिख रहे ऐसे फ्लैट फ्लैट से अंदर देखो ऐसे फ्लैट फ्लैट सा दिख रहा है राइट right. और डंडी है स्टॉक है और इस डंडी के ऊपर दो लोब्स में है एक स्पोर दूसरा स्पोर सो टू मोर पॉइंट्स फॉर जेमा स्पोर्स इट इज Stocked, मतलब डंडी है उसके पास एक एंड इट इज बाय लोब्ड दो दिस इज हाउ अब ये बना दिया टुपाक से, से बाहर गिरा देगा साइड में गिराएगा जहां गिराएगा फिर से आपके पास मार्केंशा बन जाएगा फिर गिराएगा फिर, किराएगा, फिर स्पोर बन जाएगा फिर मार्केंशा बन जाएगा राइट सो आर हेल्पिंग इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लीज आर नॉट फ्लैजेलेटेड आप देख रहे हो फ्लैजेला नहीं है कहीं इसमें कहीं पे भी फ्लैजेला नहीं है इसमें ठीक चलिए अब जरा देखें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स को आई एम गोइंग टू ड्रॉ फीमेल बना रहा ना तो अगर आपको याद हो तो देखो ऐसे था हमारा प्यारा मार्गेंशिया नीचे थोड़े-थोड़े राइज़ोइड्स हैं हमारे पास इसमें से आ रही थी एक डंडी जिसमें ऐसे रेज़ थे सुंदर-सुंदर ठीक है ये जो रेज है ना बेटा ऐसे इसमें अंदर की तरफ नीचे की तरफ दे लाइक दिस नीचे यहां डंडी लगी हुई है ये ऐसे गिरे हुए हैं कहां मिलेगा यहां अंदर इधर अंदर अंदर इनसाइड दिस यू आर गोइंग टू फाइंड लेट मी जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस हा दिस इज गोनियो फोर ये क्या है आर्की गोनियो फोर आर्की गोनिया की डंडी वहीं पे वेर आर यू गोइंग टू फाइन आर्की गोनिया एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा आपको इन्वर्टेड फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर दिस इज एन इन्वर्टेड फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर ये है बेटा आपका गोनिया, ठीक है आर्की गोनिया में अगर इसको मैं मैग्निफाई कर दू बाहर तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा उल्टा ना इन्वर्टेड है इनवर्टेड फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर ओके वट आर यू गोइंग टू फाइंड योर यहां पर आपको कुछ सेल्स दिखेंगे ये इसके गले में है ना नेक दीज आर कॉल्ड एज नेक कनाल सेल्स प्यार से किनको बोलते हैं एनसीसी NCC. अब ये पूरा नीचे का गोला फ्लास्क का नीचे का जो गोला होता है उसको बोल रहे हैं वेंटर क्या बोला है इसको वेंटर ठीक है तो ये बन गया मेरा वेंटर कैनाल सेल प्यार से क्या बोला जाएगा VCC. प्यार से क्या बोल दिया VCC. ठीक अगला इधर बैठा है एग एग इज द फीमेल गेमीट एग इज द फीमेल गेमीट कहा चुप के बैठा है किधर इधर ये ना राइट कुल स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गेन अब आप देखो बेटा ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये एक हैप्लोइड स्ट्रक्चर पे हैं दीज आर ऑल ऑन अ हैप्लोइड स्ट्रक्चर इफ दे आर ऑल ऑन अड स्ट्रक्चर यहाँ पे कहीं पर भी अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ जिसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी देख रहे हो इस बोर्ड पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एवरी थिंग इज है अगर गेमीटोफाइट है तो राइजॉइड हाप्लॉइड है आर्कीगोनियो फोर है आर्कीगोनियाड है, है वेंटा कैनाल सेल है नेक केनाल सेल है कहीं सिं तो हुई नहीं स एवरी थिंग दैट यू सी ह्योर इज ऑल हेप्लॉइड मेक सेंस तो मेल फीमेल स्ट्रक्चर देखा अब मेल स्ट्रक्चर पे आओ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नोन एज एंथ्रीडियम ड्रॉइंग अगेन मेल वही है आर की गोन यूर फोर एंड देन यू हैव मेल स्ट्रक्चर ह्योर ठीक है यहां से सेक्शन देखूं अगर मैं एंथ्री दिस इज एंथ्रीडियो फोर डंडी ये पूरा ऊपर स्ट्रक्चर है अंदर झांकोगे तो ऐसे रैकेट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है बैडमिंटन रैकेट जैसा ये बैडमिंटन रैकेट जैसा जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन चलो आगे कर लिया ड्रॉ अगला पॉइंट लुक एट दिस एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन इसको मैं अगर यहां ड्रॉ कर दू बेटा अंदर सेल्स ही सेल्स है ये छोटे-छोटे जो बॉक्सेस बने हैं दीज आर कॉल्ड एज सेल्स इस सेल को हम बोलते हैं एंड्रोसाइट इन एंड्रोसाइट्स के अंदर क्या हो रखा है इस एंड्रोसाइट के अंदर यहां पे आपको मिलेंगे एंथ्रोज़ॉइड्स ठीक है आंथ्रोजोइ्स आर मेल गेमिट्स आंथ्रोजॉइड आर मेल गेमिट्स मेल गेमिट यहां पे थोड़ा अलग सा स्ट्रक्चर लेके चलता है जैसे ठीक है एंथ्रोजोइंस आर मोटाइल क्यों मोटाइल है ये क्योंकि इनके पास दो फ्लाजिला है बाय फ्लाजिलेटेड बाय फ्लाजिलेटेड दो फ्लाजला है ये मूव कर सकता है और ये केमिकल की तरफ मूव करता है केमिकल इज रिलीज बाय अरे बाय नेक केनाल सेल केनाल सेल ये केमिकल रिलीज करते हैं इस केमिकल की तरफ आपका मेल गीट भगा चला आएगा एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज कीमो टैक्टिक मो इज फॉर केमिकल प्रैक्टिक मीन्स लोको मोशन मूविंग टूवर्ड्स द केमिकल इट इज कॉइल्ड एक और पॉइंट कॉइल्ड स्पाइरल मोटाइल बिकॉज दो मेल के मीट से एंड मूविंग टुवर्ड द केमिकल रिलीज बाय फीमेल सेक्स ऑर्गेन के नेक केनाल सेल और के नाम से ठीक है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड अब आ जाते हैं लाइफ साइकिल पे चलो तुम लोगों की है अब आगे भी क्लास है ना आगे भी क्लास है तुम्हारी तो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड इट ह्योर लाइफ साइकिल के लिए हम लोग आगे चलेंगे ठीक है इसके पॉइंट यहां तक देख लेना आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लाइफ साइकिल ऑफ दिस एज एज वेल कल का दिन आपकी छुट्टी है दिस वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास लाइफ साइकिल मैं सारा अरेंजमेंट और सारा साइकिल एक बार ही देखो यहां तक पढ़ो फिर पूरी लाइफ साइकिल में अपने आप सारा कनेक्शन बन जाएगा ठीक है राइट सो वी आर गोइंग टू एंड दिस में फ्यूनेरा भी कराने वाली थी आज वैसे लेकिन फ्यूनेरा का लाइफ साइकिल भी मैं साथ में करा दूंगी और कल परसों का क्लास परसों की क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी विल बी मूविंग टू टेरीडो फाइटा टेरिडो फाइटा इज द रीजन की प्लांट किंगडम समझ में नहीं आता है सो मेक श्योर दैट यू आर देयर इन मंडे क्लास ठीक है लाइव सेशन लाइव सेशन इंटरक्टिव एजुकेशन के एजुकेटर के साथ ज्यादा इंटरेक्शन क्विजिस अनालिस एंड सबसे इंपॉर्टेंट डाउट सेशन इन सब के लिए वन ऑन वन इंटरेक्शन के लिए यू कैन ज्वाइन मी ऑन अकेडमी का प्लस प्लेटफॉर्म कोड विल बी कॉमन लाइव के एल एल आई वीई लाइव ठीक है सेम कोड आप आइकॉनिक के लिए भी यूज कर सकते हो आइकॉनिक में आपको वन वन ऑन मिल जाती है डाउट क्लियरिंग मिल जाता है ठीक है सो कोमल लाइव कोड रहेगा मैं भी हूं और मेरे साथ साथ आपको एक इंसान और मिलेगा जो आपके टाइम टेबल बनवाने में हेल्प कर देंगे डाउट क्लियरिंग में हेल्प कर देंगे नीट से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो उसमें भी दे विल ऑल्सो गाइड यू थ्रू ठीक है बहुत सारे नए नए बैचेज आते हुए मिधावी बैच ऑन प्लस इज कंटिन्यूड कॉम्बो ऑफर्स भी चल रहे हैं अभी फॉर द टाइम बींग अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो बिल्कुल भी स्कॉलरशिप कुछ भी नहीं हो पा रहा है मैम तो प्लीज कोमा लाइव कोड यूज करो डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक दिया होगा इट्स अ फ्री टेस्ट दैट यू कैन अपियर फॉर कल पेपर है ग्यारह बजे सुबह संडे को एवरी संडे होता है ये स्कॉलरशिप एग्जाम और अटेम्प आर अनलिमिटेड सो मेक श्योर दैट यू आर अपेरिंग एवरी टाइम एटलीस्ट जितना कोशिश कर सके कर सकते हो उतना करो ठीक है थैंक यू सो मच लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टे हैप्पी स्टे हाइड्रेटेड स्टे सेफ यहां तक पढ़ लेना मंडे को एक दिन ऑफ मिल रहा है तब तक कुछ चैप्टर्स कुछ रिकॉर्डिंग्स आप पुराने रेफर कर सकते हो मंडे को वी विल बी कंटिन्यू विद टेरीडो फाइटा एंड ऑल्सो स्पेशल क्लास एट नाइन थर्टी पी एम साढ़े नौ बजे क्लास करेंगे जिसमें टेरिडो फाइटा तक के क्वेश्चंस वी विल बी कवरिंग ओके थैंक यू सो मच सी यू इन क्लास टेक केयर बाय बाय एंड हैव अ नाइस संडे tomorrow ठीक है पढ़ लेना बाय